भर्ती घोटाले की तफ्तीश थामी सरकार पर अभी कम भी नहीं हो पाई कि अब बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज होना भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस इन दिनों मुद्दों को भुनाते हुए बीजेपी को घेर कर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आज इस मामले में काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर धामी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शामिल कांग्रेस के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों मुद्दों पर कांग्रेसी अब शांत होने वाले नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है कि प्रदेश के युवाओं की लगातार अनदेखी हो रही है। लंबे समय से प्रदेश के युवाओं की मांग है कि जो जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं किसी तरह से जांच कराई जाए, नकल माफिया की और जो सत्ता का गठजोड़ है इसको तोड़ा जाए, उसके बाद ही आगामी परीक्षाएं कराई जाए। लेकिन जब लंबे समय से अनदेखी होने के बाद जब छात्र छात्राएं सड़क पर उतर कर अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उस दौरान प्रदेश की सरकार ने हिटलरशाही रवैया दिखाते हुए लाठीचार्ज करने का काम किया है, उनको दमन करने का काम किया है, उनके ऊपर बर्बरता बरतने का काम किया है।